नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ राजीव भंडिया। सदियों से राम जन्मभूमि के साथ जुड़ा विवाद शब्द अब हट चुका है और अयोध्या में अब टेंट से निकलकर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए अयोध्या को कई दशकों के लंबे सफर से गुजरना पड़ा। अयोध्या में विवाद के बीज वैसे तो मुगल शासन के पतन के समय ही पड़ चुके थे और जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो भूमि विवाद को लेकर कई बार दोनों समुदायों के बीच में संघर्ष हुए। लेकिन आजादी के बाद 80 के दशक में राम जन्मभूमि विवाद पूरे देश के सामने आ गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद मुख्य भूमिका में था, जबकि बीजेपी के अलावा कई और संगठन से जुड़े आंदोलनकारियों की भी अयोध्या आंदोलन में अहम भूमिका रही। से ही जन्म स्थान के लिए न्याय की यात्रा पर निकले रामलला आखिरकार 134 साल बाद अपने गंतव्य पर पहुंच गए और 9 नवंबर की सुबह अयोध्या विवाद पर अपने ऐतिहासिक फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि विवादित भूमि पर रामलला का ही अधिकार है और करोड़ों लोगों की इस आस्था पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को इस न्याय की यात्रा को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में कई और किरदार हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। इन किरदारों के जिक्र के बगैर राम के न्याय की यात्रा की ये कहानी अधूरी रहेगी। अशोक सिंघल राम जन्मभूमि आंदोलन की नींव डालने वाले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष थे। सिंघल ही वो शख्स थे जिन्होंने अयोध्या विवाद को स्थानीय जमीन विवाद से अलग देखा और इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभाई। अशोक सिंघल ने आंदोलन की शुरुआती दौर में अयोध्या विवाद पर पहली धर्म संसद बुलाई, तमाम हिंदू संगठन को एक मंच पर ला खड़ा किया और अपने जीवन के अंतिम दौर में राम मंदिर की आस लगाए सिंघल ने 79 साल की उम्र में 2015 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आचार्य गिरिराज किशोर। अयोध्या आंदोलन से जुड़े आचार्य गिरिराज किशोर का नाम उन लोगों में शुमार है जिन्होंने 80 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन की नींव रखी, इसे आंदोलन की शक्ल देकर जबरदस्त जन जागरण अभियान चलाया और अपने जीवन के अंतिम समय तक राम मंदिर निर्माण के संकल्प में लगे रहे। जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने उफान पर था तब गिरिराज किशोर ने कहा था कि दुनिया में कोई भी ताकत राम मंदिर निर्माण को रोक नहीं सकती। लाल कृष्ण आडवाणी। बीजेपी के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी 1992 के अयोध्या आंदोलन के सबसे बड़े नायकों में से एक हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर 1990 में गुजरात के सोमनाथ से शुरू की गई इस रथ यात्रा ने भारत के एक सामाजिक ताने बाने पर अंदर तक असर डाला। 1989 में बीजेपी ने इस आंदोलन को औपचारिक रूप से समर्थन देना शुरू कर दिया था और आडवाणी ही थे जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का वादा भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल किया। आडवाणी खुलकर इसके समर्थन में आए, हालांकि उस वक्त इसका फायदा आंदोलन से ज्यादा बीजेपी को हुआ जिसने लोकसभा चुनाव में 2 से बढ़कर 86 सीटें कर ली और अब आडवाणी पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन से जुड़े रहे। कल्याण सिंह। राम मंदिर आंदोलन के बड़े आंदोलनकारियों का जिक्र कल्याण सिंह के बगैर अधूरा है जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार को भी दांव पर लगा दिया था। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ उस वक्त उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार हुआ करती थी। वो उत्तर प्रदेश में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे लेकिन उस वक्त ढांचा विध्वंस की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उमा भारती। राम जन्मभूमि आंदोलन में उमा भारती वो चेहरा थी जो 1992 के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी। विवादित ढांचा विध्वंस के बाद उमा भारती बीजेपी की युवा और फायर ब्रांड नेता के तौर पर स्थापित हो गईं। 6 दिसंबर को भाजपा के जो बड़े नेता अयोध्या में मौजूद थे उनमें उमा भारती भी शामिल थी। विनय कटियार। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा एक और नाम है विनय कटियार। अयोध्या आंदोलन के समय कटियार फैजाबाद के सांसद थे। कटियार के घर पर ही राम मंदिर से जुड़ी कार सेवा रणनीति तैयार की गई थी। राम मंदिर चलाने के लिए कटियार ने 1984 में बजरंग दल
और वीएचपी यूथ विंग की शुरुआत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अयोध्या में विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर सदियों से चले आ रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। इस दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तमाम दलीलों का भी जिक्र किया और उनका जिक्र करते हुए एएसआई की रिपोर्ट और अन्य सभी तथ्यों के आधार पर ही फैसला सुनाया। जी हां, यहां पर जिक्र करना बेहद ज्यादा जरूरी है कि कोर्ट ने आस्था और धार्मिक आधार को खारिज करते हुए सिर्फ और सिर्फ तथ्यों और सबूतों को आधार बनाते हुए फैसला सुनाया है कि विवादित मंदिर रामलला की है और वहां पर सरकार की देखरेख में मंदिर बने। साथ ही अपने विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने केंद्र को कहा है कि वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को कहीं और 5 एकड़ जमीन मुहैया करवाए ताकि वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया जा सके। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला सुरक्षित रख चुका था। अब सुप्रीम कोर्ट ने देश का सबसे बड़ा फैसला सुनाया। फैसले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने की हिदायत दी थी। वहीं फैसले के बाद अयोध्या में अमन को बरकरार रखना भी कानून व्यवस्था के लिए चैलेंज था, क्योंकि अयोध्या नगरी पहले भी अमन के दुश्मनों का शिकार हो चुकी है। एक बड़ा चैलेंज था कानून के रखवालों पर अयोध्या के अमन और चैन को बनाए रखने का। सोशल मीडिया के मंचों से किसी भी अफवाहों को रोकना भी था। वहीं शहर पर फैसले का कोई असर ना पड़ सके इसका ध्यान भी रखना था। चलिए आपको लेकर चलते हैं अयोध्या और दिखाते हैं कैसे इस चैलेंज को पूरा किया गया। तो ये देखिए अयोध्या का ये आज का माहौल है, क्योंकि अयोध्या जिस फैसले का इंतजार कर रही थी, जिस विवाद पर फैसला चाहती थी, उसका फैसला आ गया है। लेकिन यहाँ पर माहौल जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से बना रहे, वो माहौल जो है आप देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको हनुमानगढ़ी मंदिर के पास हम मौजूद हैं और यहाँ पर सड़कों पर किस तरीके से पुलिस मार्च कर रही है। आप देखिए जो पुलिस वाले हैं, जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, जो बैठे हैं, उनको किस तरीके से वहाँ से उठाया जा रहा है और सबको उनके घर पर रवाना किया जा रहा है। भीड़ यहां पर ना इकट्ठा हो, माहौल जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से बना रहे, यही कोशिश लगातार की जा रही है। और ये आप देखिए ये मार्च जो है वो हो रहा है और कोशिश यही है इस मार्च के जरिए कि जो माहौल है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहे। जो यहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनको यहां से हटाया जा रहा है, उनको उनके घर भेजा जा रहा है, क्योंकि अयोध्या इस फैसले का इंतजार कर रही थी। और जैसा कि हम शुरुआत से बता रहे थे कि अयोध्या को किले में तब्दील किया गया था, उसकी वानगी आपको देखने को मिल रही है। यहां पर समय समय पर ये पुलिस फोर्स जो है वो गश्ती कर रही है और जो लोग यहां पर इकट्ठा हैं या अगर किसी प्रकार का जेस्चर लोगों की तरफ से दिखाया जा रहा है तो उनको समझाया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से और सभी को घर भेजा जा रहा है, क्योंकि यहां पर लोग भी इकट्ठा हैं, आम यात्री जो यहां पर आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं वो भी यहां पर इकट्ठा हैं और यहां पर माहौल ना बिगड़े इसी की कोशिश लगातार की जा रही है, जैसा कि तस्वीरों में हमने आपको दिखाया था। फैसले के बाद भी अयोध्या पूरी तरह तैयार है। अयोध्या के अलावा भी कई जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सोशल मीडिया पर डीजीपी मुख्यालय की सोशल मीडिया सेल लगातार नजर रख रहा है। इस फैसले का क्या असर अयोध्या पर पड़ रहा है, चलिए जानिए खुद अयोध्या से। अयोध्या फैसला आने के बाद अयोध्या की सड़कों पर प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है। फोर्स एक तरफ इलाके में मार्च कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ चाहे पुलिस के अफसर हों या जिला प्रशासन के डीएम और कमिश्नर, वो खुद हर गली, हर सड़क, हर प्रमुख चौराहे पर पहुंच करके जायजा ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर आईजी रेंज फैजाबाद और कमिश्नर फैजाबाद यहां पहुंचे थे। उन्होंने लोगों से पूछा, पुलिस कर्मियों से पूछा, हालात के बारे में जायजा लिया। जो स्थानीय पुलिस है वो एरिया डिनोमिनेशन की कार्रवाई कर रही है कि इलाके में लोगों को कानून के प्रति विश्वास रहे, खाकी के प्रति विश्वास रहे, भरोसा रहे कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी, शांति व्यवस्था कायम रहेगी। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अफसर भी इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं भी इस अयोध्या को जो अभेद्य किले में तब्दील किया गया उसकी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कोई कमी नहीं रखी जाएगी, कहीं कोई ऐसी बात नहीं रखी जाएगी। देखिए, लोगों से हमारा अपील है कि पूरा संयम बरतें, जो भी निर्णय आया उसका सम्मान करें और पूरा अपना शांतिपूर्ण रहें। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है आपकी सुरक्षा के लिए है और अपना पूरा संयम बरतें। अभी कहीं से कोई गड़बड़ी, आप चूंकि आईजी है तो आसपास के जिलों की भी आपको जानकारी होगी? कहीं कोई गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है, सब जगह ठीक ठाक है। अयोध्या छावनी बन गया है, हर गली में जवानों की परेड जारी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। फैसले के बाद आज क्या कहती है अयोध्या की गलियां, गलियारों में कैसा है माहौल, इसको जानने के लिए अयोध्या की गलियों में जा पहुंचे हम। ये
हनुमानगढ़ी का ये रास्ता है, ये मेन रास्ता कहा जा रहा है, ये सीधे से अब हम चल चुके हैं, यहीं से लोग श्रद्धालु जाते हैं। पंचकोसी परिक्रमा हो या 14 कोसी परिक्रमा, आपको कभी भी अगर आप अयोध्या आए होंगे तो जाहिर है कि हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए यही रास्ता अपनाया होगा। कि भले ही निगाहें अयोध्या पर लगी हुई हों, लेकिन अयोध्या हमें लगता है कि बिल्कुल सब आसान सा, सब आराम से सरयू की कलकल धारा की तरह बहता चला जा रहा है। यहाँ के माहौल में कहीं कोई ऐसी अफरा तफरी नज़र नहीं आती है। ये फैज़ाबाद 14 कोसी परिक्रमा का मार्ग है और हमारे सहयोगी विशाल भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएं कि कैसे अयोध्या की गलियों में तैयारियां ज़रूर हैं, फोर्स भी लगी हुई है, लोग निकल भी रहे हैं, सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद हैं लोग, जगह जगह पर बैरिकेडेड लगा दिया गया, कोचिंग आने जाने में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही, लेकिन ये समस्याएं ठीक भी है क्योंकि ये हमारे लिए ही सुरक्षा के लिए है। इसीलिए ये युवा पीढ़ी है जो कह रही है कि जो भी इंतज़ाम है हमारे और आपके लिए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए है, किसी को अफरा तफरी मचाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अयोध्या की गलियों में हमारा सफ़र यूं ही जारी रहेगा और हम पहुंचाते रहेंगे कि अयोध्या की धड़कन क्या कह रही है। ये तो अयोध्या की गलियां हैं जो पहले से ज्यादा गुलजार नजर आ रही हैं। रामलला की जीत और अयोध्या का अमन बरकरार है, वजह है प्रशासनिक तैयारियां जो पहले ही की गई थी। हर मिनट पर, पल पल पर यहाँ पर गश्ती की जा रही है क्योंकि ये वो सड़क है जहाँ से हनुमानगढ़ी को रास्ता जाता है। आम श्रद्धालु भी यहाँ पर हैं, यहाँ के रहने वाले भी हैं जो इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, तो माहौल हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से रहे यही कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है और वही कोशिश हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। एबीपी गंगा के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और लगातार एबीपी गंगा आपसे अपील भी कर रहा है कि फैसला जो आया है उसका आप शांतिपूर्ण तरीके से सम्मान करें। और तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो गश्ती है वो आप हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ते हुए और पल पल की जो तस्वीरें हैं वो कैसे अयोध्या में बदल रही हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है और हनुमानगढ़ी जहाँ पर बैरिकेडिंग्स थी, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहाँ की ओर अब ये तमाम जो पुलिस बल है वो मूव होता हुआ और आगे की तरफ बढ़ता हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में सुरक्षा घेरा सख्त हो गया है, जिसके बाद से ही विवादित परिसर के 1 किलोमीटर घेरे में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। आधी अयोध्या तमाम बंदिशों से घिर गई है। मोहल्लों में आने जाने के रास्तों पर बैरिकेडिंग करके पुलिस पीएसी के साथ अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए हैं। यहाँ पर किस तरीके से आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं और क्या क्या निर्देश हैं? यहाँ पे जो भी वाहन जाएगा वो चेक होकर के जाएगा, आईडी देख करके लोगों को पास किया जा रहा है, और जो बाहर के लोग हैं दर्शनार्थी हैं उनकी भी आईडी देखकर ही लोगों को अंदर भेजा जा रहा है दर्शन करने के लिए। यानी दर्शन के लिए अभी जो आम लोग हैं वो जा सकते हैं, उनका मूवमेंट यहाँ पर है? आम लोग दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। आम लोग सब जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, सावधानियाँ बरत रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग गाड़ियाँ जा रही है सबकी गाड़ियाँ विशेष रूप से चेक की जा रही है, सबका आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है, फिर ऊपर जो भी कमांडर महोदय का आदेश आ रहा है उससे उस आदेश से सबको निर्देशित किया जा रहा है। तो देखा आपने, यहाँ पर हर एक आदेश का पालन तुरंत प्रभाव से किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मौका है वो है एक संदेश देने का, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला था जिस पर ना सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर नजरें बनी हुई थी। अयोध्या प्रेम का संदेश दे रही है और यही अपील एबीपी गंगा की आपके लिए है कि आपसी सौहार्द से रहें, प्रेम से रहें। शहर में सुरक्षा घेरा पहले से ही तंग था, गांव में भी सुरक्षा बलों की तैनाती शुरू कर दी गई है। सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां हर तरफ सक्रिय है, कानून व्यवस्था बनाए रखी हुई है, पुलिस मुस्तैद है। आम लोगों की सुरक्षा के लिए जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, जो सिक्योरिटी प्लान बनाए गए थे, उसके तहत सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। सूर्यवंशियों की 100 पीढ़ियों की गवाह रही है अयोध्या और अपने फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राम का व्यक्तित्व मिथक नहीं बल्कि एक सत्य है, लेकिन सदियों तक अयोध्या में राम के जन्म की भूमि को संदेह के आवरण में लपेटे रखा गया, लेकिन आज वो आवरण हट गया है। अयोध्या का इतिहास दर्ज है आध्यात्म के दस्तावेजों में।
जिसे महाकाव्य माना गया है, लिखने वाले भी युग पुरुष वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास तरीके, जो कहते हैं प्रविस नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा। प्रविस नगर कीजे सब काजा, बावजूद इसके कोर्ट की चौखट पर चुनौतियां हैं जिन्हें चीर कर दिखाना है कि अयोध्या में और राम में कोई भेद नहीं। अयोध्या की विरासत है रामलला और राम जन्मभूमि, जो युगों से स्वयं आस्था ने सहज रखी है। लव और कुश में से कुश उनके उत्तराधिकारी रहे। सूर्यवंशियों की 100 पीढ़ियां बीते 4 युगों में अयोध्या पर राज कर चुकी है। त्रेता युग में जहां राम के बाद कुश आखिरी शासक थे, तो वहीं द्वापर युग में बृहत्र छत्र आखिरी शासक थे, और इसी के बाद कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। भले ही राज खत्म हो गया हो, लेकिन वंश बेल अभी बाकी है, और वही वंश वृक्ष राम पर उठे सवालों के बाद अपनी जड़ों की तरफ लौट आया है। ये आस्था के आनंद से ज्यादा गर्व से राम धुन में रमे हैं। राम के कुल से होने का अभिमान भला किसे नहीं होगा, लेकिन ये अभिमान रामलला की दशा को देखकर चूर हो जाता है। तभी तो 784 किलोमीटर की परिक्रमा करिए अपने आराध्य, अपने पितृ, अपने वंशज, अपने राम को स्थान दिलवाना चाहते हैं, और राम पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब देने आए हैं। सूर्यवंशियों की 100 पीढ़ियों ने 4 युगों तक इस अयोध्या नगरी पर राज किया। फिर आया त्रेता युग, जहां भगवान राम के बाद कुश आखिरी शासक रहे। त्रेता के बाद आया द्वापर, द्वापर में वृहद छत्र आखिरी शासक रहे अयोध्या के, और उसके बाद आया कलयुग। इस कलयुग में खुद को राम का वंशज बताने की एक होड़ सी मची हुई है। हाल ही में भोपाल से हजारों की संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे, अखंड रघुवंशी समाज के, और उन्होंने खुद को राम का वंशज बताया। इतना ही नहीं, बल्कि अब राम का वंशज बताने में जयपुर का राजघराना भी पीछे नहीं है। जयपुर राजघराने की महारानी दिया कुमार ने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो राम की वंशज हैं, और इसके लिए वो प्रमाण देने को भी तैयार हैं। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ वंश का नहीं, बल्कि आस्था का है, करोड़ों लोगों की भावनाओं के ज्वार का है, और हजारों सालों से चले आ रहे सूर्यवंश के इतिहास का है। सिर्फ भोपाल ही नहीं, बल्कि रघुकुल की दुहाई राजस्थान से भी दी जा रही है, और देने वाला कोई और नहीं बल्कि जयपुर का राजघराना है। और इसी राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी ने भी खत लिखकर राम के मान को रखने की अपील की है, राम मंदिर में रामलला को स्थापित करने की गुजारिश की है। अयोध्या नरेश श्री राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी 2-2 पुत्र हुए। प्रभु श्री राम ने लव को शरावती राज का जिम्मा सौंपा, तो वहीं कुश को कुशावती राज का जिम्मा सौंपा। ऐसा माना जाता है कि लव से राघव राजपूतों का वंश शुरू हुआ, तो वहीं कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। एक शोध के अनुसार कुश की 50वीं पीढ़ी में राजा शल्य हुए, जिन्होंने महाभारत में कौरवों के खिलाफ युद्ध लड़ा। इस छटपटाहट में कुल का मान छिपा है, क्योंकि अयोध्या जब अपने वजूद में आई भगवान राम से, और उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों के नाम रही। कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेम धन्मा, देवानीक, अनीह,
परियात्र, बल, उक्त, वज्रनाव, खगण, व्युतिताश्व, व्युतिताश्व, विश्वसाह, हिरण्याभ, पुष्य, ध्रुव संधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्र, मरु, प्रशुत, सुसंधि, अमर्ष, महस्वान, विश्वबाहु, प्रसेनजित, तक्षक, बृहद्वल, बृहत्छत्र। अयोध्या को भारतीय पौराणिक इतिहास में सप्तपुरियों में से एक माना गया है। अथर्वेद में भी अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है, तो स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है। सरयू तट के किनारे बसे इस अयोध्या नगरी को रामायण में कहा गया है कि वैवस्वत के पुत्र वैवस्वत मनु ने इस नगर को बसाया। वैवस्वत मनु महाराज के 10 पुत्र हुए, जिन्होंने अलग अलग कुलों की स्थापना की और इक्ष्वाकु कुल भी उनमें से एक था। आगे चलकर इसी इक्ष्वाकु कुल में भगवान श्री राम पैदा हुए और महाभारत काल तक अयोध्या पर इसी कुल के लोगों ने शासन किया। द्वापर युग का इतिहास इन्हीं वंशजों में है और इसी दौर में कृष्ण का भी, लेकिन राम के वंशजों का इतिहास त्रेता युग से पहले का भी है, जो इक्ष्वाकु और उस वैवस्वत मनु ने की। लेकिन यहाँ उनसे भी पहले ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ने राज किया और उसके बाद तकरीबन 60 से ज्यादा पीढ़ियों में जिनके जरिए कुल स्थापित हुए, परंपराएं स्थापित हुई और इतिहास करता चला गया। मरीचि, कश्यप, देवस्वान, वैवस्वत मनु, नभग, नाभाग, अम्बरीश, विरूप, पृषदश्व, रथीतर, इक्ष्वाकु, कुच्छ, विकुच्छ, पुरंजय, अनरण्य प्रथम, पृथु, विश्वरंधि, चंद्र, युवनाश्व, बृहदश्व, धुंधमार, दृढ़ाश्च, हर्यश्व, निकुंभ, वरहणाश्व, कृशाश्व, सेंजित, युवनाश्व द्वितीय, मानधाता, पुरकुत्स, त्रसदस्यु, अनरण्य, हरेश्व, अरुण, निबंधन, सत्यव्रत, सत्यवादी हरिश्चंद्र, रोहिताश, चंप, वसुदेव, विजय, भसक, वृक, बाहु, सगर, अमंजस, अंशुमान, दिलीप प्रथम, भगीरथ, श्रुत, नाभ, सिंधुदीप, अयोतायुस, ऋतुपर्ण, सर्वकाम, सौदास, अश्मक, मूलक, सतरथ, अद्विह, विश्वसह, खटवांग, दिलीप, रघु, अज, दशरथ। सूर्यवंश के गौरवशाली इतिहास को समेटे इक्ष्वाकु वंश के राजा राम ने अयोध्या नगरी पर राज किया और कहते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या में थे तब अयोध्या ऐसा था कि हर तरफ राम राज्य था, सब सुखी थे। और हम आपको दिखाते हैं, ये राम दरबार की एक रिप्लिका है, एक कलाकृति है। इसके जरिए आप समझने की कोशिश करिए, भगवान राम बैठे हुए हैं, उनके बगल में सीता जी बैठी हुई हैं, तमाम जो और लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो इस तरीके से ये दृश्य दिखाया गया है, आप कल्पना कीजिए कि उस अयोध्या में किस तरीके से जब दरबार लगता रहा होगा तब लोग वहाँ जाते रहे होंगे और क्या भव्यता वहाँ की रही होगी। फिलहाल हम ये अंतर्राष्ट्रीय कला संग्रहालय जो है वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ इस तरीके से पूरा भव्य राम दरबार जो है वो सजाया गया है, दिखाया गया है। और अयोध्या के गौरवशाली इतिहास को इसके ज़रिए जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें समझाने और बताने की एक कोशिश की गई है। तो वहीं राजा भगीरथ का नाम पृथ्वी पर गंगा को उतारने के लिए रहा। दोनों राजाओं की ऐतिहासिकता आज भी किंवदंतियों के साथ लोकोक्तियों की शक्ल में